उसकी और मेरी शादी होने वाली है। यमराज की बीवी बनने जा रही हूं मैं। या तो तू बावली हो गई है या फिर यमराज का भेजा घूम गया है। तेरे हाथ पैर कटे हुए हैं, पूरा जिस्म तेजाब से झुलस कर बदसूरत हो चुका है। यमराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो बस उस औरत से शादी करनी है जो उसकी शर्त पूरी कर देगी। जानता है कि क्या शर्त है उसकी? जो कोई भी केशव पंडित को अदालत में कातिल साबित करके उसे फांसी की सजा दिलवा देगी, यमराज उसी के साथ साथ फेरे लेकर उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेगा। मैं इस शर्त को पूरा करूंगी पंडित, 1 महीने के भीतर तू अदालत में कातिल साबित होगा और जज तुझे फांसी की सजा सुनाएगा। ये चैलेंज है मेरा। ओए दिमाग के जादूगर, जिस कानून का पुजारी है तू, वो कानून ही तुझे कातिल करार देकर तुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाएगा। हाथों पैरों से अपाहिज उस युवती ने दावा कर दिया है कि वो दिमाग के जादूगर केशव पंडित को अदालत में कातिल साबित करके उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर यमराज के साथ शादी करेगी। उसके दिमाग में आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिसके दम पर वो इतना बड़ा दावा कर रही है? जानने के लिए सुनिए आज का उपन्यास खूनी मसीहा। आदरणीय श्रोता नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं YouTube का स्टोरी विद अरुण चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजी दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं एक और नए उपन्यास के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से आप लोग सुनेंगे स्टोरी विद अरुण पर सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन उपन्यास खूनी मसीहा। इसी नॉवेल को आज से धारावाहिक रूप में आप लोग मेरे इस चैनल पर सुन सकेंगे। आज इस नॉवेल का ये पहला एवं इसका प्रीमियर एपिसोड है। जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। उपन्यास का नाम है खूनी मसीहा और आवाजें हैं आरजे अरुण की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? क्या कहा? बिल गेट्स, लक्ष्मी चंद मित्तल, ब्रुनेई के सुल्तान, अंबानी बंधु, अजीज प्रेम जी? जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। इन लोगों को अमीर तो कहा जा सकता है लेकिन शक्तिशाली नहीं। हम बात कर रहे हैं उस हस्ती की जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान भी है और शक्तिशाली भी है। सबसे मजे की बात ये कि खरापति होने पर भी उस हस्ती ने कभी इनकम टैक्स नहीं दिया, किसी भी तरह का टैक्स नहीं दिया उसने, जबकि ये कहा जाता है कि उसके पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो विश्व के टॉप 10 अमीरों को भी खरीद सकता है। आप अवश्य ही चौंके होंगे, आपका चौंकना स्वाभाविक भी है क्योंकि ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है कि कोई इंसान दुनिया की सबसे अमीर हस्ती हो और वे किसी भी किस्म का टैक्स अदा ना करता हो। आप ये जानने के लिए उत्सुक हो चले होंगे कि आखिर ये इंसान कौन है। उसके दिमाग में ये प्रश्न भी उभरा होगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न भी उभरा होगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि दुनिया का सबसे धनवान ही नहीं है बल्कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी है। जी नहीं, हम अमेरिका के राष्ट्रपति की भी बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क माना जाता है और वहां के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी माना जाता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है। जबकि हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है।
मजे वाली बात ये कि वो हस्ती अमेरिका में ही रहती है और मूल रूप से हिंदुस्तानी है। नहीं, हमारा इरादा आपको ज़्यादा देर तक सस्पेंस के भंवर में फंसाए रखने का कतई नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो हस्ती कौन है, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, हम बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं और फिर आपको बतलाएंगे कि दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली हस्ती कौन है। और इसी के साथ टीवी स्क्रीन पर से न्यूज रीडर का खूबसूरत चेहरा विलुप्त हो गया और विज्ञापन दिखलाए जाने लगे। हद हो गई प्यारे दशरथ नंदन, 6 फुटे गोरे चिट्टे ओ तंदुरुस्त जिस्म पर डेनिम की नेवी ब्लू कलर की जींस और स्काई कलर की टी शर्ट धारण किए हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल्स अल्फांसे 555 की सिगरेट में कस मार कर बोला, इन टीवी वालों ने अपने चैनलों को एडवर्टीज चैनल बना दिया है, लोगों का स्वाद बदलने के लिए बीच बीच में न्यूज भी दिखला देते हैं। कितना एहसान कर रही है लोगों पर। बाजार में जाओ तो दुकानदार घटिया सामान को बढ़िया बतला कर भेज देते हैं। धन्य है ये टीवी वाले जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि बढ़िया साबुन, वॉशिंग पाउडर, टीवी और फ्रिज वगैरह किसी कंपनी के खरीदने चाहिए। आप ये सोच सके कि कल मार्केट में जाकर कौन सी आइटम खरीदनी है। न्यूज का एक टुकड़ा दिखला देते हैं, लोग मुफ्त में सस्पेंस को एंजॉय कर सके, इसलिए न्यूज को बीच में लटका देते हैं। अब सोचते रहो कि दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी कौन है। दिमाग की कसरत, कोई टॉनिक लेने की जरूरत नहीं, प्राणायाम करने की भी जरूरत नहीं है। कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं हम पर, मनोरंजन का मनोरंजन और दिमाग की कसरत मुफ्त में। अल्फांसे की बात पर केशव पंडित, सोफिया, राजन, चांदनी, राजीव और बेड पर औंधा लेटा आशीर्वाद मुस्कुरा दिए। अंकल जी, सिर से लेकर पैरों तक पट्टियों से लिपटा हुआ था वो 14 वर्षीय गोरा चिट्टा, हल्के सुनहरे वो अर्ध घुंघराले बालों, नीलम सी नीली आंखों तथा 6 फुट कद का लड़का। सिर्फ उसकी हथेलियां और चेहरा ही अनावृत थे। केशव पंडित के नियमित पाठक जानते हैं कि एसीपी सिकंदर हयात अपने गैंगस्टर साधु रफीक लंगड़ा और दूसरे मुजरिमों में से मोटी रकम वसूल करके उनके दुश्मनों को एनकाउंटर के बहाने मार देता था और वाह वाही लूटने के साथ साथ मेडल और प्रमोशन भी हासिल कर रहा था। लेकिन केशव और आशीर्वाद के गुरु रमाकांत की बेटी माधवी ने एसपी सिकंदर हयात का भांडा फोड़ दिया था जब सिकंदर हयात ने एक व्यक्ति को एनकाउंटर के बहाने मारा तो माधवी ने उसकी वीडियो फिल्म बना ली थी और अपने टीवी चैनल पर उस फिल्म का प्रसारण करा दिया था जहां वो रिपोर्टर की नौकरी करती है। सिकंदर हयात को सस्पेंड करके उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर कर दिए गए थे, लेकिन सिकंदर हयात अपने साधु रफीक लंगड़ा का फोन आने पर अंडरग्राउंड हो गया था। बदला लेने के लिए सिकंदर हयात ने अपने साधु रफीक लंगड़ा के गुंडों को भेजकर माधवी का किडनैप करा लिया था। गुंडों ने रमाकांत को उसी के घर में बंधक बनाकर उसके जिस्म पर शक्तिशाली बम भी बांध दिया था। किडनैप हुई माधवी ने बहुत ही चलाकी से केशव तक मैसेज पहुंचा दिया था। केशव ने अपने बेटे आशीर्वाद और अपने ड्राइवर कम असिस्टेंट करतार सिंह को रमाकांत को बचाने के लिए भेजा था, जबकि माधवी को बचाने की जिम्मेदारी स्वयं ली थी। आशीर्वाद और करतार सिंह ने रमाकांत को बम से मुक्त किया था, लेकिन बम को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता था और उसके ब्लास्ट होने में चंद मिनट ही शेष बची थी। चारों तरफ घनी आबादी होने की वजह से बम के ब्लास्ट होने पर भारी तबाही मच जानी थी, अनेकों निर्दोष लोगों के
परकच्चे उड़ जाने थे, लेकिन दिमाग के जादूगर केशव पंडित के दिमाग के चैंपियन बेटे आशीर्वाद ने हिम्मत नहीं हारी और फुल स्पीड से दौड़ती कार से फुल स्पीड से दौड़ती ट्रेन पर सवार हुआ। ट्रेन की पावर फेल होने पर वो पैदल ही दौड़ा और बम को लेकर पानी वाले तालाब तक पहुंचा। बम को कीचड़ में दबाकर वो तालाब से बाहर निकलने को पलटा ही था कि बम ब्लास्ट हो गया था और सिर, गर्दन, पीठ, कमर, पैर अर्थात जिस्म का पिछला हिस्सा बुरी तरह उसका झुलस गया था। उसे करतार सिंह ने नर्सिंग होम में पहुंचाया था। वो अभी भी नर्सिंग होम में एडमिट था। उपरोक्त वर्णन केशव पंडित द्वारा लिखित उपन्यास कश्मीर नहीं कटोरा मिलेगा नामक नॉवेल में सविस्तार से दिया गया है, जो कि इस उपन्यास का पार्ट नहीं है। पट्टियों के ऊपर पहने लाल रंग के गाउन की जेब से भुने हुए चने के दाने निकालकर औंधे लेटे आशीर्वाद ने मुंह में डाले और अल्फांसी से मुखातिब होकर चंचलता भरी मुस्कान के साथ बोला, आपका बेकुल हो जाना नेचुरली है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी का जिक्र हो रहा है, वो आपका शिकार हो सकता है, आप उसे बकरा बना सकते हैं। ओए अधोगपति लंकेश, उजड़ी हुई रियासत के मालदार शहजादे, अंडे से निकले शेर, वकील की तरह गुंगा हो जा, मुस्कुराते हुए ही बोला अल्फांसी, क्यों जलेबी जैसे मुझ सीधे आदमी पर सच्ची तोहमत लगा रहे हैं। दौलत देकर टाटा बिरला अंबानी के मुंह में पानी आता है, मेरे लिए तो दौलत ऐसे ही है जैसे किसी औरत के लिए सौतन होती है। मैं बगुला भागत हूँ, मुझे मछलियों की इच्छा नहीं होती। भरी दोपहरी में लालटेन लेकर भी निकलोगे तो मुझसे शरीफ बंदा नहीं मिलेगा। बाकी जनरल नॉलेज की बढ़ोतरी के लिए मालूम तो होना चाहिए कि आखिर दुनिया का सबसे अमीर ये बंदा कौन है। महिला जेल के भीतर एक हॉल में कलर टीवी पर मुगले आजम फिल्म चल रही थी। 50 कैदी महिलाएं पूरे चाव और तन्मयता से मूवी का मजा ले रही थी, लेकिन 91वीं महिला कैदी को फिल्म में कोई सरकार नहीं था। वो कोने में बैठी हुई थी और उसकी गोद में न्यूज़पेपर रखा हुआ था। न्यूज़पेपर पर केशव पंडित का इंटरव्यू के साथ साथ उसकी कलर्ड फोटो भी छपी हुई थी। फोटो को भस्म कर देने वाले भाव से घूरती आंखों में मानो लावा सा भरा हुआ था। उसके झुलसे चेहरे पर मानो सुर्ख रंग की चींटियों का झुंड इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा था। नथुनों से सांसों की बजाय नागिन की सी फुफकारें फूट रही थी और झुलसे हुए होठ आंधी में घिरी झोपड़ी की मानी ही कपकपा रहे थे। हरामजादे, कुत्ते, कमीने, केशव की फोटो को घूरती हुई वो फुफकारती सी मुस्कुरा रहा है, मेरा मखौल उड़ाने को मुस्कुरा रहा है साले, मुस्कुरा कर ये जताने की कोशिश कर रहा है कि क्रांति बेबस और अपाहिज हो गई है। हाँ, मेरी वजह से ही, तेरी वजह से ही मैं अपाहिज हुई, तेरे वास्ते ही तेरे दोस्त अल्फांसे ने मेरे हाथ काट डाले थे, तेरी वजह से ही मैं उस चाइल्ड बम की चपेट में आई थी, मेरे पैरों का भन्नास उड़ गया था, हरामजादे डॉक्टरों ने मेरे पैर काट दिए, ये बोले कि अगर मेरे पैर ना काटे गए तो मेरी मौत हो जाएगी, मौत ही तो चाहती थी मैं, बिना हाथ पैरों के जीना भी कोई जीना है, लेकिन तेरी सह पर ही डॉक्टरों ने मेरे पैर काट दिए और मुझे चलने फिरने से भी लाचार कर दिया, ये सब तेरी ही कारस्तानी है हरामी, तभी तो तूने मुझे सिर्फ उम्र कैद की सजा ही होने दी, मुझे फांसी की सजा नहीं होने दी तूने। हाईकोर्ट में अपील करके कहा कि मैं औरत जात हूँ और ऊपर से अपाहिज भी हूँ, आइंदा कोई जुर्म तो क्या करूँगी,
अपने जिस्म पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकूंगी। बाथरूम या टॉयलेट जाने के लिए, खाना खाने, पानी या चाय पीने के लिए भी मुझे दूसरों का मोहताज होना पड़ेगा। हो गई हूँ मोहताज। बैरक में साले मच्छर भिन भिन करते रहते हैं, लेकिन हरामजादों को उड़ा भी नहीं पाती हूँ। हर काम के लिए साथी कैदियों या जेल की कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ी है। उनकी भिन्नतें मिन्नतें करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। क्या थी मैं, लेकिन क्या बना दिया तूने साले पंडित। बला की खूबसूरत हुआ करती थी, जवान तो जवान, बूढ़े भी देकर ठंडी आहें भरा करते थे। बड़े घरानों के हीरो जैसे खूबसूरत लौंडे मेरे कदमों में दिल बिछा देते थे, अपनी जान भी न्योछावर करने को तैयार रहते थे। मैं जिस पर मेहरबान हो जाती थी, वो यूं खुश हो जाता कि कुबेर का खजाना मिल गया हो। मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरा हुस्नो सवाब और गजब का जिस्म कुबेर के खजाने से कम था भी नहीं। मेरे साथ बिस्तर पर पहुंचने वाला जन्नत की ही सैर किया करता था। तुझे देखा था तो रिझ गई थी। दिल ने कहा था कि ये बंदा ही मेरे सपनों का शहजादा है, इसकी जीवन साथी बनकर धनी हो जाऊंगी। तुझे कोहिनूर हीरा समझकर हासिल करना चाहा था। चाहती थी कि अपना सब कुछ तुझ पर लुटा दूं, लेकिन तुझ पर तो उस कुतिया सोफिया का रंग चढ़ा हुआ था। जैसे राम के लिए सीता थी, उसी तरह तेरे लिए सोफिया थी। तुझे हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया था मैंने, लेकिन तेरी अकड़ ढीली ना पड़ी। एक बार भी मोहब्बत भरी नजरों से नहीं देखा, मेरी चाहत का बदला नफरत से दिया। मैं तुझ पर अपनी जवानी की शराब उड़ेल देना चाहती थी, लेकिन तूने मुझ पर तेजाब उड़ेला और मुझे स्वर्ग की अप्सरा से नरक की चुड़ैल जैसी बदसूरत भयानक बना दिया। ऐ क्रांति, तू इधर कोने में बैठी क्या कर रही है? लगता है कि तूने फिल्म नहीं देखी। फन्ने खा फिल्म थी, दिलीप कुमार मधुवाला ने क्या मस्त काम किएला। ओह, केशव पंडित की फोटो देख रही है, हीरो है साला, देख के इच मुंह में पानी आ रेला है। तेरी भी राल टपक रही है क्या? आह उफ, झुलसे जिस माली कोहनियों तक कटे हाथों वाली क्रांति ने उस चेचक के दानों वाली काली कलूटी युवती को भस्म कर देने वाली नजरों से घूरा। फिर घुटनों तक कटे और पट्टियों से लिपटे पैरों को उठाकर उसकी जांघा पर जोर से पटकने पर हटकाई कुतिया की मानिंदी चीख कर बोली, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है, छिनाल कहीं की, काट कर रख दूंगी कुतिया, तू काटेगी। चेचक के दानों वाली उठ खड़ी हुई और जांघों को सहलाते हुए व्यंगपूर्ण लहजे में बोली, हाथ और पैर कटे हुए ले हैं और बात करते हैं अपुन को काटने की, आपा ही जाए तू, इसी वास्ते माफ कर ली है अपुन। तेरी जगह दूसरी कोई होती तो उसका बुरता बना देती अपुन, पर आइंदा ख्याल रखना अपुन से पंगा नहीं लेने का, नहीं तो गाजर मूली की माफी इच काट डालेगी तेरे को। अपुन का नाम जयंती एडी है। और फिर जो हुआ वो अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित तो था ही, साथ ही अविश्वसनीय भी था। मानो मशहूर फुटबॉलर पेले ने फुटबॉल को किक मारी हो, उसी अंदाज में क्रांति का अपाहिज जिस्म हवा में उड़ा और चेचक के दोनों वाली जयंती के जिस्म से टकराया। भड़ाक, जयंती मुख से चीख निकालते हुए पीछे की तरफ उड़ी सी और दीवार से टकराकर जोर से चिल्लाई। उसके सिर का पिछला हिस्सा जोरों से दीवार से टकराया। सिर को हथेलियों से दबोचे हुए से उद्भूत शराबी की मानिंदी झूमने से लगी, फिर भर्रा कर फर्श पर गिर पड़ी। जयंती मुख से चीख निकालते हुए पीछे की तरफ उड़ी सी और दीवार से टकरा कर जोर से चिल्लाई। उसके सिर का पिछला हिस्सा जोरों से दीवार से टकराया।
सिर को हथेलियों से दबोचे हुए वो धूत शराबी की मानिंदी झूमने से लगी, फिर भर्राकर फर्श पर गिर पड़ी। बेहोश हो चुकी थी। धमकी देती है हरामजादी, क्रांति को धमकाती है, वो हाथनी की मानिंदी चिंगाड़ कर बोली, क्या समझा है तूने? मुझे क्या समझा है? हाथ पर कट गए तो क्या शेरनी चूहिया बन जाएगी? दिमाग के जादूगर केशव पंडित से टक्कर ले चुकी हूं, उसे जंग लड़ चुकी हूं मैं। हाथ पैर ही कटे हैं, मेरे इरादे हौसले क्रोध खतरनाक इरादे खूंखारता अपाहिज नहीं हुई है। इस हालत में भी 10-20 को उड़ा सकती हूं। किसी भी कुतिया ने मुझसे पंगा लेने की जरूरत की तो उसका बुरा हाल कर दूंगी। ऐ लूली टुंडी लंगड़ी, एक काली कलूटी युवती कुर्ते की आस्तीने चढ़ाती हुई गुर्रा कर बोली, अब उनकी बहन को मारा तूने, अब भी तेरी सारी हेकड़ी निकालती है अफुर। तभी 6 फुट कद की मोटी ताजी महिला कैदी ने उठकर उस युवती को धकेल कर फर्श पर गिरा दिया और भारी भरकम आवाज में बोली, कोई भी क्रांति से पंगा नहीं लेने को सकती, ये अपुन के ग्रुप में है, अपुन की फ्रेंड है, अपुन को इसकी अखा स्टोरी मालूम है। कभी ये सुरेंद्र नगर की राजकुमारी होती थी, इसकी और इसके भाई बलदेव ठाकुर की तूती बोलती थी, राज चलता था। पनकेशव पंडित ने इसके भाई को खलास कर दिया, इसको अपाहिज कर दिया, फिर भी ये हिम्मत नहीं आ रही। इसकी जगह दूसरी कोई औरत होती तो सदमे से इच मर खफ गई होती। ये अपाहिज है पन शेरनी है, इसके तेवर शेरनी की माफी की है। खबरदार, कोई भी क्रांति से भिड़ने की जरूरत नहीं करे, वार्डन या जेलर से भी शिकायत नहीं करने का क्या? अकड़कर आई युवती भीगी बिल्ली बनी चुपचाप बैठी रह गई। गामा पहलवान की बहन लगने वाली अधेड़ कैदी क्रांति के पास बैठकर आत्मीयता के साथ बोली, क्या बात है, तुम्हारा मूड काय को खिड़ला है क्रांति? कुछ नहीं शांता बहन, क्रांति कंधों को उचका कर बोली, न्यूज़पेपर में उस हरामजादे पंडित की फोटो देकर माइंड अतीत में चला गया था, मूड ऑफ था, ऊपर से इस कुतिया जयंती ने टोंट मार दिया तो अपसेट हो गई थी। क्या बीडी मिलेगी शांति बहन? बीडी पिए तुम्हारे दुश्मन, सिगरेट चलेगी, सिगरेट का पूरा कोटा मंगाई ली अफुर, ए मंगंदी 2 सिगरेट सुलगा के देने का और टीवी का चैनल भी बदलने का, न्यूज पे लगाने का, देखने का है कि देश में क्या क्या चल रहा है। मंगती नाम की कैदी महिला ने पहले रिमोट से टीवी का चैनल चेंज करके न्यूज चैनल पर लगा दिया, फिर लाइटर से ओविल्स की 2 सिगरेट सुलगा कर शांता और क्रांति को दी। क्रांति के हाथ पैर तो थे नहीं, उसके झुलसे होठ के माध्यम सिगरेट को फंसा दिया उसने। क्रांति ने अभी 2 कस ही मारे थे कि टीवी पर न्यूज रीडर दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बतलाने लगी। क्रांति की उत्सुकता जागृत हुई और वो हिप्स के बल फर्श पर खिसकते हुए बला की फुर्ती के साथ टीवी की तरफ बढ़ने लगी। केशव पंडित, उम्र 40 वर्ष, कदकाठी तंदुरुस्त और गठीला जिस्म, जिसके लंबाई 5 फुट 11 इंच है, रूप रंग ऐसा कि मानो दूध में हल्का सा रूह अफजा घोल दिया हो, अंडाकार चेहरा, झील सी नीली आंखें जिनमें झांकने वाला समूहित सा हो चले, लंबी पतली गोलाकार नासिकाओं वाली नाक और पतले पतले गुलाबी होठ, हल्के सुनहरे ओ अर्ध घुंघराले बाल, नेवी ब्लू कलर के सफारी सूट में बहुत ही जजती हुई जमती धासु पर्सनलिटी। सोफिया पंडित, उम्र 39 वर्ष, कदकाठी सांची में ढाला 36-24, वो 36 की फिगर वाला 5 फुट 6 इंच लंबा जिस्म, रंग रूप
मानो मक्खन में गुलाब की पंखुड़ियों की घोट दिया गया हो। हरे रंग की खूब बड़ी वो मछली के से आकार की आंखें, जिनकी पलकें इतनी घनेरी की झुके तो शाम हो जाए और उठे तो सुबह अंगड़ाइयाँ लेने लगे। आंखों के ऊपर धनुषंकार भावें, कश्मीर के ताजा सेबों से हल्के सुर्ख और चमकीले गाल, सुतवा नाक, संतरे की फांकों में से रस से भरे गुलाबी होठ, राजहंस से सफेद ओ सच्चे मोती से चमकते दमकते छोटे छोटे दांत, कोयल की कुक सी मीठी बोली, काले रंग की सुनहरी कढ़ाई वाली साड़ी में लिपटी उस स्वर्ग से उतर आई अप्सरा ही प्रतीत हो रही थी। राजन शुक्ला, उम्र लगभग 32 वर्षीय, गोरे रंग, तंदुरुस्त जिस्म, पौने 6 फुट कद वाला आकर्षक युवक, जो डेनिम की काली जींस और सफेद शर्ट में काफी आकर्षक लग रहा था। ये बतलाने की आवश्यकता तो नहीं कि राजन केशव का असिस्टेंट है और अपनी धर्मपत्नी चांदनी के साथ केशव के बंगले में ही फैमिली मेंबर की तरह रहता है। चांदनी 30 वर्षीय, गोरी चिट्टी बला की खूबसूरत और मासूम से चेहरे वाली, जिसका कद 5 फुट 3 इंच है, बसंती रंग के सलवार कुर्ते में बहुत ही प्यारी लग रही थी। करतार सिंह, थोड़ा सांवले रंग का हट्टा कट्ठा 6 फुटा पटियाला का रहने वाला सरदार जी, जो काले रंग का सूट, सफेद शर्ट, केसरिया रंग की नेकटाई और सिर पर भी केसरिया रंग की पगड़ी बांधे हुए हैं। करतार सिंह की शुरुआत केशव के यहाँ ड्राइवर की नौकरी से हुई थी, लेकिन फिर उसने केशव से मार्शल आर्ट, हथियार और बम वगैरह चलाने की ट्रेनिंग ली और साथ ही जासूसी के गुर भी सीख लिए। इन लोगों के साथ आशीर्वाद और अल्फांसे भी नर्सिंग होम के स्पेशल रूम में मौजूद थे और टीवी पर चलते एडवर्टीज के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि ये जान सके कि दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली बंदा आखिर है कौन। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीवी स्क्रीन पर। स्टूडियो में उपस्थित खूबसूरत न्यूज रीडर मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान के साथ बोल रही थी। हाँ, तो कमर्शियल ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको उस हस्ती के बारे में बतला रहे थे जो कि दुनिया का सबसे धनवान तो है ही, साथ ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी माना जाता है। आप उसके बारे में जानने के लिए व्याकुल हो रहे हैं ना? हम आपके धैर्य की और परीक्षा नहीं लेंगे और आपको उस हस्ती के बारे में बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले दिखलाते हैं उसकी तस्वीर। ये रही उसकी तस्वीर। और फिर टीवी स्क्रीन पर नजर आने लगी 45 वर्षीय गोरे चिट्टे तथा लंबे चौड़े व्यक्ति की तस्वीर, जिसकी आंखें बिल्लौरी रंग की थी और सिर के बाल महिलाओं की मानिंदी घने और 2 फुट लंबे थे। 6.5 फुट लंबा और जंगली भैंसे जैसा तंदुरुस्त जिस काली पैंट और काले ओवरकोट में पैक्ड था। केशव उसे देखकर चौंका और बोला, अरे ये तो यमराज है। हाँ, ये अमराज ही तो है, सोफिया भी बोली। पहले घनी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें रखता था और अब क्लीन शेव्ड चेहरा कर लिया है, सिर के बाल बढ़ा लिए है कम वक्त ने। अल्फांसे, राजन, चांदनी, करतार सिंह और आशीर्वाद टीवी पर से नजरें हटाकर केशव और सोफिया की तरफ देखने लगे। आप इसे जानते हैं डैडी जी, मम्मी जी? हाँ जानती, जवाब दिया कोयल सी मीठी आवाज वाली सोफिया ने। ये यमराज है। यमराज? आशीर्वाद के साथ साथ राजन, चांदनी, करतार सिंह और अल्फांसे के मुंह से भी निकला। केशव ने गुलाबी होठों पर पुखराज वाली अंगूठी पहने उंगली को रखकर
सभी को शांत रहने और टीवी देखने का इशारा किया। सभी टीवी की तरफ देखने लगे। ये तो हिंदुस्तानी मालूम पड़ रहा है बाप, ऐ चुप कर। जंगली भैंसे जैसे काले कलूटे वो तंदुरुस्त अंगारा ने बोलने वाले कैदी को झपटते हुए कहा, चुपचाप रहकर सुनो कि ये कौन है। ये व्यक्ति यमराज के नाम से जाना जाता है। टीवी स्क्रीन पर न्यूज रीडर होठों पर मनमोहक मुस्कान सजाए हुए बोल रही थी। वैसे मालूम हुआ है कि इसका वास्तविक नाम नागराज सिंह है और ये इंडियन है, भारतीय है। बरसों पहले नागराज उर्फ यमराज भारत में रहता था और बहुत ही खतरनाक मुजरिम माना जाता था। इसके खिलाफ देश के विभिन्न थानों में हत्याओं के ही 50 से ज्यादा केस दर्ज है, यानी इसने 50 से ज्यादा लोगों को खुलेआम मारा था और तड़पा तड़पा कर बर्बर तरीके से मारा था। इसके हाथों मरने वालों में 2 दर्जन तो पुलिस वाले ही हैं। ये हत्याएं तो वो है जिनकी रिपोर्ट दर्ज हो। यमराज ने और भी बहुत सी हत्याएं की थी जिनकी रिपोर्ट या मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। थोक में लोगों की जान लेने के कारण ही नागराज सिंह का नाम यमराज पड़ गया था। यमराज ने सिर्फ हत्या ही नहीं की थी बल्कि उसने कई डकैतियां, लूटपाट और अपहरण भी किए थे। ये अपहरण करने पर अपहरित व्यक्ति के परिजनों को सिर्फ एक बार ही आदेश देता था कि इसे कितनी रकम चाहिए और किस स्थान पर कितने बजे तक देनी है। अगर नियत समय पर रकम नहीं पहुंचती थी तो ये अपहृत व्यक्ति को निर्दयता पूर्वक मार दिया करता था। यमराज के खिलाफ बलात्कार के भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए थे। ऐसा नहीं कि कभी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन इसके नाम का इतना आतंक था कि कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं कर पाता था। जिन लोगों ने गवाह बनने का साहस दिखलाया था उन्हें अदालत में गवाही देने से पहले ही मार दिया गया था। एक बार यमराज कानून के शिकंजे में फंसा था और इसे फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन ये जेल में सुरंग बनाकर फरार हो गया था और फिर कभी कानून के हाथ नहीं आया। बाद में यमराज ने अमेरिका से संचालित और दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक माने जाने वाले आपराधिक संगठन माफिया को ज्वाइन कर लिया था और एक दिन मुंबई का डॉन बन गया था। आज यही व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर माना जाता है क्योंकि ये माफिया किंग बन चुका है। जी हां, नागराज सिंह उर्फ यमराज अमेरिका स्थित माफिया के हेडक्वार्टर का सुप्रीम बॉस है। इसी की सुपरविजन में माफिया का संगठन दुनिया भर में संचालित हो रहा है। आपको बतला दें कि माफिया इतना शक्तिशाली संगठन है कि कहा जाता है कि अमेरिका में माफिया की समानांतर सरकार चलती है। एक बार को अमेरिकन सरकार फेल हो सकती है लेकिन माफिया नहीं। माफिया की घुसपैठ अमेरिकी सरकार, प्रशासन, पुलिस, मिलिट्री और खुफिया विभाग FBI तक में है। दुनिया का चौधरी कहलाने वाला, परोक्ष रूप से कई देशों पर शासन करने वाला और इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि कई देशों में मिलिट्री कार्रवाई करने वाला अमेरिका कभी भी माफिया पर लगाम नहीं लगा सका। अमेरिकी सरकार दावे और वादे तो करती है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन आज तक माफिया के खिलाफ कुछ नहीं हो पाया। माफिया के छोटे मोटे अड्डों पर रेड डाली जाती है और छोटे मोटे ओहदेदारों की गिरफ्तारी भी होती है, कुछ को सजा भी होती है, वरना अधिकांश सबूत और गवाही के अभाव में
छूट जाते हैं। पूरे विश्व में माफिया का जाल फैला हुआ है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर माफिया का अस्तित्व ना हो। गत दिनों अमेरिकी की एक टीवी चैनल की रिपोर्टर ने माफिया किंग यमराज का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सिर्फ हमारे चैनल के पास ही उपलब्ध है। हम आपको वह इंटरव्यू दिखलाएंगे। हिंदुस्तानी होने के नाते यमराज हिंदी भाषा जानता है। कम पढ़ा लिखा होने की वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है। हाँ, इंग्लिश के कुछ शब्द या वाक्य जरूर बोल लेता है। उसका इंटरव्यू लेने वाली भारतीय मूल की है और उसका नाम नताशा है। नताशा हिंदी की जानकार है, इसलिए उसने ये साक्षात्कार हिंदी में ही लिया था। उस इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखलाने से पहले हमें लेना पड़ रहा है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, हम बस वापस लौटे हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। न्यूज रीडर का खूबसूरत ओ मुस्कुराता चेहरा टीवी स्क्रीन पर विलुप्त हो गया और विज्ञापनों का दौर शुरू हो गया। सत्यानाश हो तुम्हारा, राक्षस सरीखा अंगारा बुरा समूह बनाकर बोला। पहले फिल्में में और सीरियलों में ही विज्ञापन दिखलाए जाते थे, अब तो न्यूज के बीच में ही विज्ञापन दिखलाने लगे हैं। एक न्यूज को भी कई हिस्सों में पूरा करते हैं। सिगरेट निकाल ओए मांगी, मांगी नाम के जिस कैदी ने ओविल्स की डिब्बी ओ माचिस निकाल कर दी, वो 6 फुटा और हट्टा कट्टा था, लेकिन अंगारा के सामने वो यूं ही लग रहा था कि जैसे भैंसे के सामने कोई हिरन। अंगारा ने सिगरेट सुलगा ली और फिर कस लगाने लगा। मांगी नामक कैदी ने आसपास बैठे कैदियों पर दृष्टिपात किया, फिर अंगारा के करीब सिर करके उसके कान के पास मुंह करके फुसफुसाया। अपन दोनों की इच फांसी का टेम करीब आ रहा है उस्ताद जी, इधर से निकलने का कोई बंदोबस्त करने का, नहीं तो फंदे से फंदे पे टांग दिए जाएंगे। मरना नहीं चाहता अपुन, अभी अपुन की उम्र इच कितनी है बाप, मरना कौन चाहता है वे। दूसरे कैदियों का और हॉल के गेट पर मौजूद 4 हथियारबंद संतरियों का ख्याल करके अंगारा भी फुसफुसा कर बोला, लेकिन इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। जब से वो पाकिस्तानी आतंकवादी इस जेल में आया है, सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया गया है, फोर्स बढ़ा दी गई है। यहां से भागने वाले को गोलियों से फून दिया जाएगा, ये पक्का है। रोतड़ी सूरत क्यों बनाता है भूतनी के, अभी फांसी नहीं लगने वाली। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है ना, अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति के यहाँ रहम की अपील करेंगे। इसी में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, इतने वक्त में मैं यहां से फरार होने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। पनफुन को अपनी बीवी की फिक्र हो रही है, वो अपुन के बच्चे की मां बनने वाली है। मिलाई पे आती है तो रो रो के बावली हो जाती है, वो अपुन की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बाप उसकी बहुत फिक्र हो रही है अपुन को, तुझे अपनी लुगाई की फिक्र हो रही है जबकि मुझे मैडम जी की फिक्र सताती रहती है। एकाएक ही गंभीर और दुखी हो चला अंगारा और मानो कस मसा कर ही बोला। हालांकि उन्हें फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन उनके हाथ और पैर नहीं है, चलने फिरने उठने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वो टॉयलेट या बाथरूम कैसे जाती होंगी, खाना कैसे खाती होंगी, पानी चाय सिगरेट वगैरह कैसे पीती होंगी। अगर यहाँ से निकलने में कामयाब हो पाया तो सबसे पहले मैडम जी को ही जेल से निकालने का जुगाड़ करूंगा। सुना है कि आजकल नकली हाथ पर लग जाते हैं, ऐसा विदेशों में जी होता होएगा उस्ताद, पर खर्चा बहुत आता होएगा। खर्चे की कोई टेंशन नहीं होए मांगी, अपनी मैडम जी के वास्ते डकैती डालूंगा, किडनैप करूंगा, कुछ भी करके रकम इकट्ठी करूंगा और मैडम जी को इलाज के वास्ते विदेश ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले सवाल तो ये है कि मैं इस जेल से फरार होने में कामयाब हो पाऊंगा भी
कि नहीं। घुटनों से कटे और पट्टियों में लिपटे पैरों को फर्श पर फैलाए बैठी थी वो, जिसका नाम क्रांति था। झुलसे होठों के मध्य सिगरेट फंसी हुई थी, जिसमें कस लगाते हुए उन नथुनों से कसैले धुआं का रेला सा छोड़े जा रही थी। फिर आगे की तरफ झुककर उसने सिगरेट को फर्श पर छोड़ दिया और कोहनियों से कटे हाथों में से दाएं हाथ के अगले सिरे से सिगरेट को यूं ही कुचलने लगी कि जैसे किसी दुश्मन का सिर कुचल रही हो। अरे ये क्या करती हो क्रांति? उसकी बगल में ही बैठी पहलवान सरीखी शांताबाई उसके ठूठ जैसे हाथ को पकड़कर और उस पर लगी सिगरेट की गर्म राख को झाड़ते हुए बोली, भेजा खिसक गया है का तू मेरा, हाथ काय को जला रेली थी। इस सिगरेट में उस हरामजादे केशव पंडित का सिर नजर आ रहा था मुझे। उसके कंठ के पिटारे में मानो कोई जहरीली नागिना बैठी। इस सिगरेट की मामूली चिंगारी भला मेरा क्या बिगाड़ेगी? उस साले ने तो मुझे सिर से लेकर पैरों तक तेजाब से नहला दिया था। उस तेजाब की जलन और पीड़ा को बर्दाश्त कर गई थी मैं। उसके यार ने मेरे हाथ काट दिए थे, उस कुत्ते अल्फांसे ने। फिर केशव पंडित की वजह से बम धमाके में मेरे दोनों पैर उड़ गए। इतनी बड़ी बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त कर जाने वाली भला इस सुसरी सिगरेट की मामूली आग का क्या फर्क पड़ना है? जिसने तीर और भालों के हमले झेले हो उस पर सुई से भला क्या फर्क पड़ेगा? शांताबाई ने सिगरेट सुलगा ली और एक सुट्टा मारने पर बोली, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक सवाल करने का क्या? नहीं शांताबाई, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मान सकती। तुमने ही तो मुझे इस जेल में सहारा दिया है। तुम या तुम्हारी चेलियां ही टॉयलेट में ले जाकर हेल्प करती हो। चाय पानी तो इन कटे हाथों से पी लेती हूँ, लेकिन खाना तुम या तुम्हारी चेलियां ही खिलाती है। बैरक से उठाकर बाहर लाना और बैरक में पहुंचाना, मेरा बिस्तर लगाना और भी कई किस्म की मदद करती हो तुम। काश कि मुझे तुम्हारा एहसान उतारने का मौका। ऐसी बात नहीं करने का क्रांति, दोस्ती में किसी पे एहसान नहीं किया जाता। मैं बराबर बोली ना, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम्हारे भेजे में केशव पंडित से बदला लेने की ख्वाहिश होती है? क्रांति का झुलसा हुआ चेहरा यूं ही लगने लगा कि मानो बुझ चले ऊपर जोर जोर से फूंक मारी जा रही हो और हर फूंक के साथ सुलगा जा रहा हो। सुर्ख हो चली आंखों से चिंगारियां सी छूटने लगी। जबड़े इस कदर सख्त होकर भींच चले कि मानो गेहूं को पीसने के लिए चक्की के दोनों पार्ट एक दूसरे पर कस गए हो। दिमाग में इंतकाम का बारूद भरा हुआ है शांताबहन, मानो कोई मादा भेड़िया इंसानी जुबान में गुर्रा उठी हो। इतना बारूद कि सारी दुनिया को एक ही धमाके में उड़ाकर रख दे। दिल में इतना लावा भरा है कि समंदर भी उसे अपने भीतर नहीं समा पाएगा। उस साले कुत्ते की याद आते ही जिसमें लंका दहन होने लगता है। ख्यालों सोचों की शान पर इंतकाम की तलवार को पैनी करती रहती हूँ, लेकिन अपनी फूटी तकदीर पर क्या करूँ मैं? तकदीर ने हर बार मेरे साथ दगाबाजी की और उस सुसरे पंडित का ही साथ दिया। उससे शादी करने के लिए बहुत ही शानदार प्लान तैयार किया था मैंने और उस पर अमल भी किया था, लेकिन तकदीर दगा कर गई थी और बाजी ओ कमीना केशव पंडित मार ले गया था। फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी मैंने। उसके खासम खास लोगों को उठाकर उसे भी राजस्थान के रेगिस्तान में बुलवा लिया था, लेकिन तकदीर ने साथ दिया तो उस हरामी केशव पंडित का। जीती हुई बाजी मेरी मुट्ठी से
निकालकर केशव के हाथ में चली गई थी। ना सिर्फ मेरे हिस्से में शिकस्त आई थी बल्कि केशव ने मुझे तेजाब से नहलाकर मेरी खूबसूरती भी छीन ली थी। अपनी जुबान को चुप्पी की डोरी से बांधकर वो मारे क्रोध के दमे के मरीज की मानी दी जोर जोर से सांसें उगलने लगी। शांत रहने का शांताबाई उसके कपकपाते कंधे पर भारी भरकम हथेली रखकर बोली, गुस्सा नहीं करने का। गुस्सा? जख्मी नागिन के मानिंद बल खाकर फूफकारी क्रांति, मेरे कलेजे में इंतकाम की चिता जल रही है। फिलहाल तो उस चिता में मैं ही जल रही हूं। कांस की इस चिता में मैं अपने जानी दुश्मनों को जलाकर राख कर पाती, जब मुमकिन नहीं लगता। जेल से निकलना ही मुमकिन नहीं है। अगर किसी चमत्कार से निकल भी जाओ तो इन कटे हाथों पैरों से कर भी क्या सकती हो तू? करने को तो बहुत कुछ कर सकती हूं बिना हाथ पैरों के। शांताबाई ने भौहें उठाकर और आंखें चौड़ाकर हैरानी जाहिर की। यूं हैरत में क्यों पड़ रही हो तुम शांता बहन? क्या ये हैरानी में पड़ने वाली बात नहीं है? नहीं, कतई नहीं। क्रांति मानो हर एक शब्द को हथौड़े से पीट पीट कर ही बोली, इंतकाम लेने के लिए, अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए हाथ पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग के धनुष और योजनाओं के तीरों की जरूरत होती है। मेरे पास शक्तिशाली धनुष भी है और ढेर सारे तीर भी है। अगर मेरे सामने से जेल की दीवार हट जाए तो केशव पंडित को तीरों से बेंध कर रख दूंगी। अभी लोगों की बातें ही चल रही थी कि तभी विज्ञापन खत्म हो गए। और विज्ञापन खत्म हो गए ले क्रांति, देखने का कि यमराज के बारे में क्या बतलाया जाता है। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोहिनी सूरत ओ मुस्कान वाली न्यूज रीडर अपनी वाणी में रसगुल्ले वाली चाशनी घोलते हुए बोले जा रही थी। हमने आपको नागराज सिंह उर्फ यमराज के बारे में बतलाया कि वो हिंदुस्तानी है। वहां पर वो खतरनाक किस्म का अपराधी था। उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई थी लेकिन वो जेल से फरार हो गया था। वो मुंबई का माफिया डॉन भी रहा और वर्तमान में माफिया किंग है। अमेरिका के वाशिंगटन स्थित माफिया के हेडक्वार्टर में रहता है। भारतीय मूल की और हिंदी जानने वाली नताशा नाम की एक अमेरिकी न्यूज चैनल रिपोर्टर ने कुछ दिन पहले ही यमराज का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा वो इंटरव्यू। नर्सिंग होम के बेड पर औंधे लेटे नीलम सी नीली आंखों वाले आशीर्वाद ने तकिए के बगल में रखे भुने हुए चने के चंद दाने मुंह में डाले और कुटुर कुटुर की आवाज के साथ टीवी स्क्रीन की तरफ अपलक देखने लगा। केशव, सोफिया, अल्फांसे, राजन, चांदनी और करतार सिंह भी टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। टीवी स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत बेशकीमती फानूस, पेंटिंग्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से सजा धजा कमरा दिखाया गया। शीशे के टॉप वाले मेज पर ढेर सारे लैंडलाइन और मोबाइल फोन के साथ निखलिस सोने के बना और हीरे जवाहरातों से जड़ित लगभग 5 किलो वजन का हाथी और स्ट्रे में भी रखी हुई थी। स्ट्रे भी सोने की बनी हुई थी और कीमती नगीनों से जुड़ी हुई थी। रत्न जड़ित सोने का लाइटर और उसके साथ रखी हुई सिगरेट की डिब्बी जो कि बाकी तमाम कीमती वस्तुओं को शर्मसार कर रही थी। वो इंडिया की सस्ती मानी जाने वाली रेड एंड वाइट नॉन फिल्टर वाली सिगरेट की डिब्बी थी। मेज के पार शेर की खाल से मंडे सोफे पर बैठी एक 30 वर्षीय खूबसूरत था भारतीय चेहरे वाली युवती हाथ में सन टीवी के मोनोग्राम वाल कार्डलेंस माइक लिए बैठी थी। उसने लाइट येलो कलर की शर्ट और स्काई कलर की नेकटाई के साथ नेवी ब्लू कलर का सूट अर्थात पैंट कोट पहना हुआ था। बॉब कट वाल और आंखों पर नज़र का प्लास्टिक के फ्रेम तथा छोटे छोटे लेंस वाला गॉगल्स चश्मा था। मैं इस वक्त माफिया किंग यमराज के साथ
इस कमरे में मौजूद हूँ। कई महीनों तक ट्राई और रिक्वेस्ट करने पर यमराज जी मेहरबान हुए और इस इंटरव्यू के लिए राजी हुए। एक निश्चित किए गए स्थान पर पहुंचने पर मुझे और मेरे साथी कैमरामैन पीटर पार्कर को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया था। होश आया तो आंखों पर काली पट्टी भी बांधी हुई थी। खैर, हमें इस कमरे तक पहुंचाया गया। हमारी कई जगह तलाशी ली गई और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग भी की गई। चूंकि यमराज जी की शर्त थी कि इंटरव्यू हिंदी में होगा, इसलिए प्रसारण के वक्त इंटरव्यू को अमेरिकन सिटीजन और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज समझने वाले के लिए इस इंटरव्यू की इंग्लिश में डबिंग कर दी जाएगी। अब मैं अपने साथी पीटर पार्कर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमरे को इस एंगल में ले आए कि दर्शकों को मेरे साथ साथ यमराज जी भी दिखलाई पड़े। कैमरा पीछे की तरफ हटा और फिर इस एंगल में कर दिया गया कि मेज की दूसरी साइड में सिंहासन नुमा कुर्सी पर विराजमान यमराज भी कैमरे की जद में आ गया। काली पेंट और काले ओवरकोट में था वो, खूब गोरा रंग, चौड़ी नाक, मोटे मोटे और सिगरेट के धुएं से रचित स्याह होठ, जिस ओ चेहरे के अनुपात में बिल्लौरी आंखें छोटी छोटी लेकिन गिद्ध की मानेंद तेज ओ पैनी, 2.5 फुट लंबे बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे, चौड़े माथे पर काले रंग का तिलक था, यूकलिप्टस के तनों सी मोटी गर्दन से में सोने की खूब मोटी जंजीर जिसमें शेर की मुखाकृति वाला लॉकेट पड़ा हुआ था, खूब मोटी ओ घने बालों से अच्छाजित कलाइया हाथी के कानों सी चौड़ी हथेलियां और मूली जैसी मोटी मोटी उंगलियां, दाई कलाई पर सोने का रत्न रजित ब्रेसलेट और बाई कलाई पर दुनिया की सबसे महंगी चौपाड सुपर आइस क्यूब रिस्ट वॉच, आठों उंगलियों में हीरे नीलम पुखराज जैसे कीमती रत्नों से जड़ित प्लेटिनम धातु की बनी अंगूठियां चमचमा रही थी। वो था नागराज सिंह उर्फ यमराज, माफिया किंग, माफिया का माईबाप। उसने पैनी धार वाली आंखों से नताशा को देख गला खंखा कर इशारा किया कि अब वो इंटरव्यू को शुरू करे। नताशा ने गला खंखारने पर कहा, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। कहा जाता है कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति हैं, भला इसमें संदेह वाली बात क्या है छोकड़ी? कृपया बतलाएंगे कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति कैसे हैं? मेरा मतलब है कि यमराज ने दाहिना हाथ उठाकर नताशा की बोलती बंद कर दी। उसने रेड एंड व्हाइट की डिब्बी से एक सिगरेट निकालकर मोटे होठों के बीच दबा ली और फिर लाइटर की नीली लौ से उसका अग्रिम सिरा सुलगा दिया। मुंह और नथुनों से धुआं उगलने पर वो नताशा से मुखातिब होकर बोला, पहले बात करते हैं शक्तिशाली होने की। दुनिया के अगर किसी एक व्यक्ति को लिया जाए, भली हो किसी मुल्क का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनमें सबसे ताकतवर और पहुंच वाला बंदा मैं हूं। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई मुल्क हो जहां पर माफिया का अस्तित्व ना हो, वजूद ना हो। माफिया हर तरह के जुर्म करती है और मोटी कमाई करती है। माफिया के छोटे बड़े ओहदेदारों की गिनती लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। सफ़ेद फोज किस्म के मुजरिम भी माफिया के ओहदेदार हैं। उनमें मंत्री, समाज सेवक, पुलिस, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के अफसर, धार्मिक नेता, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, दुकानदार, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। मुल्कों की बड़ी खुफिया एजेंसी या डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे वास्ते काम करते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है अपना। हमारे पास स्पेशल कमांडोज होते हैं जो कि थप्पड़ मारने से कत्ल करने का काम बखूबी अंजाम देते हैं। ओ भिखारी से लेकर किसी देश के
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक को मारने में सक्षम होते हैं। वो हथियारों, गोला बारूद, पोटेशियम साइनाइड जैसे घातक जहर से लैस रहते हैं। मैं चाहूं तो किसी भी देश को तबाह कर सकता हूं। मेरे पीछे करोड़ों कमांडोज, शार्प शूटर्स की बड़ी फौज है, बटालियन है। इसलिए मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूं। कोई भी माई का लाल मेरे सामने नहीं टिक सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है मेरे सामने। मैं जो भी चाहूं वही करा सकता हूं। इस युग का सिकंदर भी हूं, हिटलर और यमराज हूं मैं, यमराज। चुप होकर अब वो सिगरेट फूकने लगा। नताशा ने गला खांखा कर पूछा, चूंकि लगभग हर देश में माफिया है, माफिया के मोटी कमाई होगी, इसलिए आप दुनिया के सबसे अमीर धनवान व्यक्ति माने जाते हैं। माफिया की कमाई का अंदाजा लगाना कोई आसान काम नहीं है छोकरी। माफिया की कमाई के मुख्य स्रोत ड्रग्स, गोल्ड, डायमंड, नकली करेंसी, हथियार, गोला बारूद, शराब वगैरह की बिक्री और स्मगलिंग है। माफिया के होटल, रेस्टोरेंट, बार वगैरह भी है जहां पर नशे का सामान बिकता है। हर तरह का जुआ खिलाया जाता है, डांस और जिस्म फरोशी होती है। बड़ी हस्तियों को किडनैप करके मोटी फिरौती वसूली जाती है। मोटी सुपारी मिलने पर बड़ी हस्ती को कत्ल कर दिया जाता है। राजनीतिक पार्टी की तरफ से मोटी रकम मिलने पर शहर, राज्य या पूरे देश में आतंकवादी घटनाओं और सांप्रदायिक दंगों को अंजाम दिया जाता है। नेताओं या मंत्रियों, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वगैरह को उड़ा दिया जाता है। कुल मिलाकर हर वो काम किया जाता है जिसके बदले में मोटी कमाई होती है। उस कमाई का हिस्सा आपके पास आता होगा। यमराज ने सिगरेट के अवशेष को रत्न जड़ित इस ट्रे में ठूस दिया और फिर भारी भरकम आवाज में बोला, हाँ, कमाई का बड़ा हिस्सा हेडक्वार्टर के खजाने में जमा होता है, लेकिन वो खजाना माफिया का है, मेरा नहीं। क्या मतलब? नताशा तनिक चौंक कर बोली, लेकिन आप तो माफिया के सुप्रीमो है, सर्वे सर्वा है। क्या माफिया के खजाने या कमाई पर आपका हक नहीं है? माफिया मेरी निजी कंपनी नहीं है छोकरी, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। मैं माफिया का चीफ या बॉस हूँ, मालिक नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं सर। लंबी लंबी छोड़ रहा है भूतनी का। कमर्शियल ब्रेक के लिए इंटरव्यू को रोक दिए जाने पर अल्फांसे 555 की सिगरेट में कस मार कर और धुआं उगलने पर बुरा समूह बनाकर बोला, खुद को बीजापुर की तोप समझता है, खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बतला रहा है। विधवा का खसम, अगर मैं अपनी पर आ जाऊं तो इसका बैंड बजा कर रख दूं। आप भी लंबी फेंक रहे हैं अंकल जी। बेड पर औंधा लेटा आशीर्वाद चने के दाने खुटखुटाते हुए बोला, माना कि आप इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, लेकिन यमराज भी माफिया किंग है। लगभग सभी मुल्कों में माफिया की ब्रांच चेंज है। अमेरिका की गवर्नमेंट सुप्रीम पावर मानी जाती है, लेकिन वो भी आज तक माफिया का बाल बाका नहीं कर पाई है। मैं नहीं समझता कि आप यमराज तक पहुंच भी सकेंगे। ओए गूंगे रेडियो, बिना सूट के हाथी, नीम के मीठे तेल, कड़वे रसगुल्ले, गर्म आइसक्रीम, ठंडे अंगारे, अंधेरा फैलाने वाले दीपक, रात के सूरज, रेत के भरे समंदर, पानी के रेगिस्तान। आंखें निकालकर अल्फांसे से कृत्रिम क्रोध को प्रदर्शित करते हुए ही बोला, बिना डोर के आसमान में उड़ने वाली पतंग बनने की कोशिश मत कर। भारी महफिल में मेरी बेइज्जती की नाश कर रहा है, थप्पड़ खुद को मारूंगा और चेहरा तेरा घूम जाएगा। वो क्या है कि तेरी आंटी सलमा की चाहत की खिचड़ी खाकर ये शेर शाकाहारी हो गया है, वरना उस दो पैर वाले गधे को डिबिया में बंद कर लाऊं और उसे तिगनी का नाच नचा दूं। दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जिसे अल्फांसे काठ का उल्लू ना बना सके। फेंकते रहिए, मैं लपेटना शुरू करता हूं।
इतनी लंबी तो नहीं फेंक रहा हूँ वो एक खट्टे खजूर, चल थोड़ा काम कर देता हूँ। अगर अपना दशरथ नंद केशव अपनी पर आ जाए तो उस यमराज को बिना पंखों वाला कौवा बना सकता है। अगर हम दोनों मिल जाए तो उस कान खजूरे को हाथी की तरह मसल कर रख देंगे। हाथी की तरह या चींटी की तरह, कहने पर चांदनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। केशव, राजन, सोफिया, करतार सिंह और आशीर्वाद भी मुस्कुरा दिए, जबकि अल्फांस से सिर खुजलाते हुए बोला, चींटी की तो कोई बच्चा भी मसल दे, हाथी को मसलने वाला चूहा ही और उस समय हिंद जावेद जाफरी होता है। अल्फांस के कथन पर सभी खिलखिलाकर हंस दिए। टीवी पर से कमर्शियल ब्रेक के खत्म होने पर विज्ञापनों का सीरियल समाप्त हुआ और फिर से यमराज का इंटरव्यू दिखलाया जाने लगा। सभी ध्यानपूर्वक टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगे, जबकि अल्फांस बड़बड़ाया, ये यमराज मालदार आदमी है, क्या इसे अपना शिकार बनाया जा सकता है? राजा परीक्षित ने भी इतने मनयोग से वेद व्यास जी के श्रीमुख से महाभारत की कथा ना सुनी होगी, जितने मनयोग से हाथ पैर कटी क्रांति टीवी पर चल रहे यमराज के इंटरव्यू को देख रही थी। इंटरव्यू को रोककर जब विज्ञापन दिखलाए जाने लगे तो उसकी दशा ऐसी हो चली कि मानो भूखे बच्चे के मुख से दूध की बोतल निकाल ली गई हो। जी चाहा कि हथेली पर जोर से घूसा मारे, लेकिन हथेली और घूसा था ही कहा, वो सिर्फ जबड़े भेज कर और ठूर जैसे हाथों को हिलाकर ही रह गई। क्या एडवर्टीज दिखलाने जरूरी है? कटखनी कुतिया से ही बोली वो, हरामजादे, एक बार में पूरा इंटरव्यू भी नहीं दिखला सकते। गामा पहलवान की बहन शांताबाई हंसकर बोली, मगर एडवर्टाइज नहीं दिखलाएंगे तो फिर इनकी रोजी रोटी किधर से चलेगी? जान बूझ करके न्यूज को भी खूब दिलचस्प बना देंगे, तभी तो लोग बंद कर बैठेंगे और एडवर्टाइज भी दिखेंगे। पर तुम इतनी खफा क्यों हो रही हो क्रांति बहन? क्या इंटरव्यू में मजा आ रहा है? वो दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है, माफिया का सुप्रीमो है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर आदमी है, अपनी लाइन का वांदा है, इसलिए उसके बारे में दिलचस्पी पैदा हो गई है। हल्का नहीं होने का, अभी इंटरव्यू खत्म हो जाएगा और अभी एडवर्टाइज खत्म हो जाएगा और इंटरव्यू चालू हो जाएगा। अभी सिगरेट पी लेने का, ए मगंती, दो सिगरेट सुलगा देने का। मगंती नामक महिला कैदी ने दो सिगरेट सुलगाकर एक शांता को दी और दूसरी क्रांति के झुलसे होठों के दरमियान फंसा दी। सिगरेट का धुआं उड़ाती क्रांति की आंखें टीवी स्क्रीन पर भालों की नोक की मानिंदी खड़ी हुई थी। टीवी स्क्रीन पर यमराज और नताशा एक बार फिर मौजूद थे। यमराज ने रेड एंड व्हाइट की सिगरेट सुलगा ली, कस लेकर धुआं नताशा के खूबसूरत चेहरे से कुछ इंच ऊपर से छोड़ने पर बोला, माफिया की स्थापना मैंने नहीं की छोकड़ी, इस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, इसमें प्रमोशन होता है, ऊपर की पायदान खाली होने पर उसे नीचे की पायदान वाला वहां पहुंच जाता है। मुझसे पहले मिस्टर रोज डायर्स माफिया किंग थे, उन्हें ब्लड कैंसर था, उन्होंने अपने जीते जी ही मुझे माफिया किंग घोषित कर दिया था, उनके बाद मैं माफिया किंग बन गया था, मेरे बाद मेरे नीचे काम करने वाला माफिया किंग बन जाएगा, लेकिन खर्चा तो सभी को चाहिए, कमीशन या सैलरी के रूप में तो आपको रकम मिलती ही होगी। हाँ, उसे सैलरी या तनख्वाह ही कहा जा सकती है, वो करोड़ों डॉलर में है, अमेरिका के राष्ट्रपति समेत दुनिया के किसी भी पदाधिकारी या किसी कंपनी के प्रेसिडेंट या डायरेक्टर को इतनी सैलरी नहीं मिलती, लेकिन इस सैलरी के दम पर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बना हूं। तो फिर एक स्थान पर प्राचीन जमाने का खजाना था
अपने दम पर मैंने वो खजाना हासिल किया था। उस खजाने में एक कुंटल से ज़्यादा तो बेशकीमती हीरे ही है, बाकी जवाहरात भी है और 2 टन के करीब सोना भी है। बाप रे, इसकी तो बहुत कीमत बैठेगी, मुस्कुराया यमराज और नताशा की हैरत भरी आंखों में झांकते हुए बोला। कोई भी हीरा लाखों से कम कीमत का नहीं है छोकरी, अधिकांश हीरे करोड़ों की कीमत के हैं। हकीकत तो ये है कि उस खजाने का मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता। उसी खजाने ने मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। बस अब इंटरव्यू खत्म। प्लीज सर, मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। यमराज की छोटी छोटी आंखों में खून सा उतर आया, चेहरा लाल भभूका हो चला, मुठिया भेद चली। यूं लगा कि उसके भीतर कोई चीता सुलग उठी हो, पुराने जख्म हरे हो गए हो। आंखें बंद करके उसने नथुनों से तेज तेज और जोर जोर की सांसें छोड़ी। क्रोध को हजम करके वो नर्मल हुआ और संयत स्वर में बोला, नहीं, कोई नहीं, इस दुनिया में रिश्तों के नाम पर हम अकेले हैं। नताशा झिझकते हुए बोली, क्या आपने शादी नहीं की सर? नहीं की। हालांकि यह आपका निजी मामला है सर, अगर आप बुरा ना माने तो। आपने शादी क्यों नहीं की? क्या आपकी शादी करने का इरादा नहीं है? ढेर सारे कष्ट लगाकर ढेर सारा धुआं उगला यमराज ने, कुछ इस तरीके से ही कि मानो मन का गुब्बार निकाल रहा हो। सिगरेट के अवशेष को रत्न जड़ित स्ट्रे में ठूसने पर वो बहुत ही गंभीर होकर बोला, ऐसा नहीं है कि मेरी शादी करने की इच्छा नहीं है। हर आदमी चाहता है कि उसकी शादी हो, उसकी गृहस्थी बसे, बाल बच्चे हो, उसका वंश चलाने वाला हो। जब मैं हिंदुस्तान में था तो, बल्कि मैं वहाँ का माफिया डॉन था, तो ऐसा कुछ हो गया था कि मुझे एक प्रण करना पड़ा था, एक कसम खा लेनी पड़ी थी। उसी प्रण या प्रतिज्ञा की वजह से ही मेरी शादी नहीं हो पाई। इतनी उम्र हो जाने पर भी अविवाहित हूँ। वो प्रतिज्ञा क्या थी सर? मेरी एक शर्त है, उस शर्त को जो कोई भी लड़की या औरत पूरा करेगी वही मेरी बीवी बनेगी, उसी के साथ शादी करूंगा मैं। उस शर्त को पूरा करने वाली औरत दुनिया के सबसे शक्तिशाली और धनवान आदमी की बीवी बन जाएगी, सबसे अमीर महिला हो जाएगी वो। मेरे पास पगानी जोड़ा CS7.3 कन्वर्टिनल कोइनिंग सेंग CR सलीन S7 Triwan टर्बो पोर्स कैरेटा GT मर्सिडीज बेंज SLR मैकलारेन मवेक 62 रोल्स रायस फैंटम स्पाइकर C8 12S एस्टन मार्टिन वैक्सियन S डायनामिक पगाडी पगानी जोड़ा फोर्स वैराज TGT रोल्स रायस जैसी दुनिया की सबसे महंगी कारों का पूरा काफिला है। छोटे प्लेन और हेलीकॉप्टर से 1 अरब से ऊपर की कीमत के कई बंगले कोठियां है। जो भी भाग्यशाली औरत मेरी बीवी बनेगी उसके पास धन दौलत गहनों वगैरह की कोई कमी नहीं होगी। दुनिया की कोई भी रानी महारानी मलिका शानो शौकत से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। कमाल की बात है सर, हाथ में माइक लिए नताशा आश्चर्य के साथ बोली। दुनिया में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं जो धन दौलत के लिए कुछ भी कर जाती है। कई फिल्मी हस्तियों ने दौलतमंद लोगों के साथ शादी की है। आप तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, फिर कोई महिला सामने क्यों नहीं आई? मुस्कुराया यमराज, कमीनी किस्म की मुस्कान थी वो। सकपका कर बोली नताशा, आप यूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर? क्या मैं कोई गलत बयान कर गई हूँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है छोकरी। खैर, मेरा ये आमंत्रण न्योता दुनिया की सभी युवतियों के लिए है। कोई भी मुझसे शादी करने का दावा कर सकती है, तुम भी। मैं नताशा पसीने पसीने हो चली, थूक सा सटका उसने। क्यों, क्या हुआ? यमराज उसकी बिगड़ी दशा का मजा लेते हुए बोला, तुम घबरा क्यों गई?
माना कि मैं माफिया किंग हूँ, मुजरिम हूँ, लेकिन अपनी बीवी के लिए तो मैं प्यार करने वाला पति ही रहूँगा। उसका हर तरह से ख्याल रखूँगा, उसको जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूँगा, उसे पलकों पर बिठा कर रखूँगा, उसे दुनिया के तमाम ऐसो आराम मुहैया होंगे। महारानी बनकर ही ऐस करेगी, बड़ी से बड़ी गलती भी करेगी तो उसे मुस्कुरा कर माफ़ कर दूँगा। क्या अब तुम मेरी बीवी बनना पसंद करोगी? मैं शादीशुदा हूँ सर, दो बच्चे भी है। ओह सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पति का नाम जॉन है और वो बैंक मैनेजर है, तुम्हारे बेटे का नाम हैरी और बेटी का नाम देविका है, तुम्हारी लव मैरिज हुई थी, तुम हिंदुस्तानी हो, शादी के बाद भी तुम हिंदू धर्म मानती हो, मंदिर जाती हो, व्रत रखती हो, सभी त्यौहार मनाती हो। बेटा हुआ तो तुमने उसका नाम हैरी रखा, जबकि बेटी हुई तो तुम्हारे पति जॉन ने उसका नाम देविका रखा। दोनों बच्चों को चर्च भी ले जाते हो और मंदिर भी ले जाते हो, दोनों को हिंदू और ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहे हो तुम लोग। कमाल है सर, आप तो बहुत कुछ जानते। माफिया जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ छोकरी, हर किसी की जानकारी रखनी पड़ती है। खैर, ये ज़रूरी नहीं कि मुझसे शादी करने वाली खूबसूरत, मशहूर, हस्ती या अमीर घराने की हो, वो गरीब हो, बदसूरत भी हो तो भी चलेगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है सर? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने आज से लगभग 12 साल पहले एक प्रतिज्ञा की थी, कसम खाई थी। वो प्रतिज्ञा या कसम क्या थी सर? मेरी एक शर्त है, जो कोई भी मेरी उस शर्त को पूरी कर देगी वही मेरी बीवी बन जाएगी, उसी के साथ शादी कर लूंगा मैं। आपकी वो शर्त क्या है? फिर से ब्रेकिंग न्यूज, अल्फान से बुरा समूह बनाकर बोला। तुम इन टीवी चैनल वालों पर केस नहीं कर सकते हो दशरथ नंदन, अगर एडवर्टीज नहीं दिखलाएंगे तो इनका कारोबार कैसे चलेगा अल्फान से भाई? मुस्कुराकर बोला केशव। इन्हें सरकार की तरफ से कोई सैलरी या एड तो मिलती नहीं, इनकम का जरिया विज्ञापन ही तो है। तुम तो नमक की तरह हलवाइयों का फेवर ले रहे हो। हाँ लोगे क्यों नहीं प्यारे लाल, ये टीवी चैनल वाले तुम्हारे कारनामों का सत्यानाश करते हैं, तुम्हारे इंटरव्यू दिखलाकर तुम्हें बदनाम करते रहते हैं ना। खूब जोर से हंसी चांदनी, काफी देर तक हंसती रही, बामुश्किल हंसी रोकने पर अल्फांसे से बोली, आपका भी जवाब नहीं है भाई साहब, आपके उदाहरण उल्टी गंगा बहाते हैं। नमक को हलवाइयों से जोड़ दिया, ये भी बोल रहे हो कि चैनल वाले भाई साहब की बदनामी करते हैं और इनके कारनामों का सत्यानाश करते हैं, जबकि वो बेचारे भाई साहब की प्रशंसा करते हैं, इनकी महानता का गुणगान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई नमक वाली सब्जी और मीठे रसगुल्ले खाए तो उसकी बुराई ना की जाए। केशव को इन चैनल वालों के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, बार बार इंटरव्यू के करेले खिलाकर बीच बीच में विज्ञापनों की मिठाई परोस देते हैं। फिर हंसी चांदनी और बोली, ये तो बढ़िया बात है कि वो आपको ज़्यादा करेले नहीं दिखा रहे हैं और बार बार मिठाई खिला रहे हैं। अजी काहे की बढ़िया बात है, दुनिया में शुगर के मरीजों की बहुत तादाद है, करेले के दम से डायबिटीज ठीक होती है, लेकिन मिठाई खाने से तो शुगर बढ़ जाती है। क्या आपको भी डायबिटीज की बीमारी है अंकल जी? के छेड़ा केशव पुत्र आशीर्वाद ने। चुप एक कड़वे रस वाले चन्ने, ये मेरी तौहीन है, इंसल्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल हूँ, डायबिटीज जैसी मामूली बीमारी का होना मेरा अपमान है, बीमारी भी अपनी महानता के हिसाब से ही लूंगा, जुकाम से कम पर तो समझौता करूंगा ही नहीं। अल्फांसे की बात पर इस बार चांदनी नहीं बल्कि आशीर्वाद, राजन, करतार सिंह, सोफिया और केशव भी हंस पड़े। तभी खाने के दो टिफिन लिए हुए राजीव कमरे में प्रविष्ट हुआ और उसने शीश नवाकर अल्फांसे का अभिवादन किया। कौन राजीव? केशव पंडित द्वारा लिखित पूर्व उपन्यास बच्चों की बनेगी बटालियन में राजीव अरोड़ा की एंट्री हुई थी। केशव और आशीर्वाद के गुरु रामाकांत के पास जालेधर से उसके ममेरे भाई राजेंद्र सिंह का फोन आया था। राजेंद्र ने रामाकांत को कहा था कि उसका भतीजा राजीव
LLB पास कर चुका है और उसे जासूसी का भी शौक है। वो केशव पंडित का जबरदस्त फैन है और केशव का शिष्य बनना चाहता है। रमाकांत के हामी भरने पर राजीव मुंबई आ पहुंचा था। 25 वर्षीय सांवले रंग का जिस्म, लंबा और तंदुरुस्त, राजीव के मन में एक आशंका थी जिस कारण वो एकदम से केशव के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रमाकांत और माधवी को भीतर भेजकर वो केशव के घर के बाहर ही रुक गया था। केशव के कहने पर माधवी उसे भीतर ले गई थी। दरअसल बात ये थी कि राजीव का पिता सुरजीत अरोड़ा किसी वक्त में पंजाब में आतंकवादी था और फिर पुलिस व सरकार की सख्ती होने पर वो पंजाब से भागकर मुंबई आ गया था और उसके संबंध पाकिस्तानी संस्था ISI हो गए थे। जेल में बंद आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सुरजीत अरोड़ा ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक स्कूल के बच्चे और टीचर्स को अपने कब्जे में लेकर और उन्हें मारने की धमकी देकर जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़ देने की मांग की थी। लेकिन केशव ने चलाकी और होशियारी के साथ स्कूल में दाखिल होकर सभी आतंकियों समेत सुरजीत अरोड़ा को भी मार दिया था। इसके पास साथ राजीव की परवरिश उसके ताऊ राजेंद्र सिंह और ताई कुलजीत कौर ने ही की थी। वो दोनों सिख थे लेकिन राजीव को सिख नहीं बनाया था। दोनों ने राजीव को बेटी की तरह ही पाला और राजीव भी उन्हें माँ बाप मानता है। दोनों को मम्मी पापा जी बोलता है। इसी के साथ वो अपने बाप सुरजीत अरोड़ा के नाम से भी नफरत करता है। आजा भाई, विधवा के मंगलसूत्र, अल्फांसे अपनी ही टोन में बोला, तेरा ही इंतजार कर रहा था। मारे बदहजमी के बुरा हाल हो रहा था। केशव ने बतलाया कि तुम घर पर खाना लेने गए हो। सलमा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बोलाया था कि वो अपने वास्ते मूंग की दाल की खिचड़ी बना ले और मेरे वास्ते खाना ना बनाए, यहीं पर खा लूंगा। लेकिन बदहजमी में तो भूख नहीं लगती, बदहजमी में खाना नहीं खाना चाहिए। ओए कीचड़ में खिले गुलाब, अल्फांसे आंखें तरेरा बोला कि भूखे की पीठ पर लात मारता है, तेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी बदरूह तुझे दुआ दे देगी, तो स्वर्ग में पड़ा ऐस करता रहेगा। जल्दी से टिफिन खोल यार, नहीं अभी नहीं, एक बेहुदा सा इंटरव्यू चल रहा है, मायूस में हम सभी को मजा आ रहा है, पहले उसे देखेंगे, इस सदी के भीतर तो पूरा हो ही जाएगा, अगली सदी में खाना खा लेंगे। केशव, सोफिया, राजन, चांदनी, करतार सिंह, राजीव और आशीर्वाद मुस्कुरा दिए। 555 की सिगरेट सुलगाकर और कस लगाकर नथुने के रास्ते धुएं को सरकाते हुए अल्फांसे केशव से संबोधित होकर बोला, ओ वैसे इंटरव्यू काफी बोर है प्यारे दशरथ चंदन, उस गधे के सिंह यमराज ने काफी उत्सुकता बढ़ा दी है। जब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है तो उसकी शादी क्यों नहीं हो पाई? उसके चारों तरफ तो एक से एक लड़कियों का यूं जमावड़ा हो जाना चाहिए था जैसे गोबर पर मक्खियां भिनभिनाती है। ऐसा नहीं है प्यारे कि लड़कियों ने उसकी धर्मपत्नी बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनमें से कोई भी यमराज की शर्त पूरी नहीं कर पाई, इसलिए यमराज की शादी नहीं हो पाई है। आखिर ऐसी क्या शर्त हो सकती है? तुम तो दिमाग के सेक चिल्ली हो, आइडिया लगा सकते हो। आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यमराज की शर्त क्या है। मालूम है? अल्फांसे चौंका। राजन, चांदनी, आशीर्वाद और करतार सिंह भी चौंके, जबकि राजीव की समझ में नहीं आ रहा था कि किस यमराज की या कौन से इंटरव्यू की बात चल रही है। मुस्कुराया झील सी नीली आंखों वाला और अल्फांसे की हैरत भरी आंखों में झांकते हुए बोला, बिल्कुल मालूम है कि यमराज की शर्त क्या है। तुम तो सुई से रुमाल को फाड़कर धोती किए जा रहे हो दशरथ चंदन, बतलाओ कि यमराज की शर्त क्या है? अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो हनाम में चवन्नी, इनाम में चवन्नी दूंगा। केशव ने बतला दिया कि यमराज को शादी करने के लिए शर्त क्या है। आदरणीय श्रोता, तो आखिर क्या थी वो यमराज की शर्त
जिसके कारण वो आज तक शादी नहीं कर सका। आखिर किस शर्त की बुनियाद पर यमराज की शादी होनी लिखी थी और उसकी उस शर्त क्या थी, आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, इसी उपन्यास की अगली कड़ी में। लेकिन रुकिए, जरा ठहरिए, आज का सवाल तो सुनकर जाइए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टोरी विथ अरुण पर प्रसारित होने वाले सभी नॉवेल और उपन्यास के हर एक एपिसोड के लास्ट में आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना होता है। और जो भी फ्रेंड्स कमेंट में उसका जवाब देते हैं, उन सारे श्रोताओं का नाम अगले एपिसोड में बताया जाता है। सो प्लीज आज का सवाल सुनते जाइए। तो आज का सवाल है कि आखिर यमराज का वो कौन सा शर्त था जिसके ऊपर उसकी शादी टिकी हुई थी। आखिर यमराज का शर्त क्या होने वाला था, अगर आप गेस कर सकते हैं तो गेस कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में गेस करके बताइए कि यमराज की शर्त क्या थी, आखिर किस शर्त की बुनियाद पर वो अपनी शादी करना चाहता था। हालांकि इसका उत्तर मैंने उपन्यास के शुरू में ही, इसके प्रोमो में ही आप लोगों को बता दिया था। जो श्रोता चलाक होंगे और बड़ी ही छिन्न बुद्धि के होंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि उपन्यास के शुरू में ही मैंने हिंट्स के माध्यम से आपको इसका उत्तर बता दिया था। तो आप लोग दिमाग लगाइए और इसका उत्तर गेस कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यमराज की शर्त क्या होने वाली थी। जो भी फ्रेंड्स गेस करके नीचे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बता देंगे तो आप लोगों का स्वागत है, और जो फ्रेंड्स नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, इसका जवाब आपको इसी नॉवेल के दूसरे एपिसोड में मिल जाएगी, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। तो इंतज़ार कीजिएगा कल का। तो आदरणीय श्रोता, ये थी हमारी आज की उपन्यास की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग जिस नॉवेल का वाचन सुन रहे थे, उस नॉवेल का नाम था खूनी मसीहा। सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम फिक्शन इस उपन्यास का ये पहला एपिसोड था। इसके आगे की कथानक इसके दूसरे एपिसोड में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है और आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी जरूर करता हूँ। सो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा अपने से बड़ों का आदर भाव और सत्कार कीजिए, अपने से छोटे को माया ममता और दुलार दीजिए। इसी दिव्य वाणी के साथ आज की श्रृंखला से मैं आप सभी का हर पल का प्रिय आरजी दोस्त अरुण गिरी भी विदा चाहता हूँ। आदरणीय श्रोता, अब दीजिए हमें भी इजाज़त, हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। नमस्कार। Thank you.